रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीत बहुत गरीब था। वो मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी लीला का पेट भरता था। जीत अपने दादाजी के चेतक स्कूटर से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने अपने दादाजी के जमाने के चेतक स्कूटर को आज तक संभाल कर रखा था। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय वो अपने चेतक स्कूटर की धुलाई कर रहा था कि तभी उसकी पत्नी लीला पड़ोस के घर से गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने घर की तरफ आती है और जीत उसे रोकते हुए कहता है, तुम दिन पर दिन पागल तो नहीं होती जा रही हो ना? क्या अपने आप से ही बड़बड़ाती हुई चली आ रही हो? क्या करूं, जब पति ऐसा मिल जाए जो कोई बात सुनने को तैयार ना हो तो अपने आप से बड़बड़ाने के सिवा और कर ही क्या सकती हूँ। मैंने ऐसा क्या करा? और क्या मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता हूँ? हमेशा तुम्हारी ही तो सुनता हूँ, तुम मुझे बोलने ही कहाँ देती हो? देखो सुबह सुबह मजाक मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं मजाक के मूड में जरा भी नहीं हूँ। अरे तुम तो सच में बहुत गुस्सा हो। अच्छा अब ये बता दो कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा ना करो तो क्या करूं? आपको पता भी है शर्मा जी के घर से आ रही हूँ, उन्होंने अपना पुराना चेतक स्कूटर बेचकर नया स्कूटर ले लिया है। मेरी तो उस पर से नजर ही नहीं हटी, मन तो कर रहा था वो स्कूटर चलाकर अपने घर ले आऊं। लीला सपने उतने ही बड़े देखो जो पूरे हो जाएं। हम लोग बहुत गरीब इंसान हैं, हम लोगों की बराबरी शर्मा जी से मत करो। कहां वो बैंक में काम करने वाले इंसान और कहां मैं एक मजदूरी करके अपना घर चलाने वाला इंसान, बहुत फर्क है उनमें और हम में। मतलब क्या हम हमेशा गरीब ही रहेंगे? हमारा जीवन सदा ही ऐसे बीत जाएगा, मेरा चेतक स्कूटर का सपना सपना ही रह जाएगा। मैंने ऐसा कब बोला कि हमारा समय नहीं बदलेगा या ऐसा ही रहेगा? लेकिन मुझे बस अभी के लिए समय चाहिए, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करते हैं कि दादाजी का चेतक स्कूटर बेच क्यों नहीं देते हैं? वैसे भी ये घर में बस खड़ा ही रहता है, चलता तो वैसे भी नहीं है। आज तो बोल दिया, फिर दोबारा कभी मत बोलना। ये सिर्फ मेरे दादाजी का चेतक स्कूटर नहीं बल्कि मेरे दादाजी का मेरे पास होने का एहसास है। ये पास है तो मुझे लगता है कि मेरे दादाजी आज भी मेरे करीब हैं। जब भी मैं इसका ख्याल रखता हूँ तो लगता है मैं अपने दादाजी का ख्याल रख रहा हूँ। आप कितनी भावनात्मक बातें कर रहे हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आजकल की सोच के हिसाब से सही नहीं है। इसका मॉडल बहुत पुराना हो गया है, अगर आपने अब इसको नहीं बेचा ना तो कुछ दिनों में ये इस हालत में भी नहीं रहेगा कि इसे बेच दे। मुझे कभी बेचना ही नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। कम से कम लोग इसे देखकर ये तो कहते हैं ना कि हमारे पास भी चेतक स्कूटर है, पुराना है तो क्या हुआ। इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इससे तो अच्छा है मैं खुद ही कोई ग्राहक ढूंढ लूं इसे बेचने के लिए। ठीक है, आप लगाए रखो अपने दादाजी के स्कूटर को अपने सीने से। लीला इतना कहकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय निकलता है। समय के साथ लीला के मन में भी अपने पड़ोसी के जैसा नया चेतक स्कूटर लेने की इच्छा और ज्यादा बढ़ती है, जिसके चलते वो अपने घर में खड़ा चेतक स्कूटर बेचने के लिए ग्राहक तलाशने लगती है, लेकिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिलता। तभी एक रोज लीला शाम के समय अपने घर में बैठकर चावल साफ कर रही थी, तभी उसकी पड़ोसन कनिका उसके घर आती है और उसे साफ चावल जमीन पर और गंदे चावल डब्बे में डालते हुए देखकर हंसते हुए कहती है, लीला तेरी लीला तो सच में अपरंपार है, तू ये क्या कर रही है? अगर तेरे जैसे चावल साफ करने हो तो 10 जन्म लग जाएंगे चावल साफ करने में, लेकिन ये चावल साफ नहीं होंगे। अरे कनिका दीदी आप आइए ना, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? थोड़ा अपने साफ चावलों पर नजर तो डाल तू, साफ चावल जमीन में और गंदे चावलों को डिब्बे में डाल रही है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। हाय राम, ये क्या किया मैंने, मैंने तो खुद ब खुद ही अपना काम बढ़ा लिया। कोई बात नहीं, ये काम तो हो ही जाएगा, लेकिन अब तू बताना कि तू परेशान क्यों है, तेरा ध्यान कहाँ है? क्योंकि तेरा ध्यान काम में तो था ही नहीं। आप सही कह रही हैं दीदी, मेरा ध्यान चेतक स्कूटर में अटका हुआ था। जब से मैंने आपके यहाँ वो स्कूटर देखा है तब से मेरा भी वैसा स्कूटर लेने का मन कर रहा है, लेकिन पैसे नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले लेना फिर, सोच क्या रही है। और रही बात पैसे की, तो तेरे घर में जो चेतक स्कूटर खड़ा है वो बेच ले, उससे जो पैसे आए उसे नए स्कूटर की डाउन पेमेंट कर और बाकी की पेमेंट की किस्त बंधवा ले, जितनी दे पाए। बैंक से जुड़ा सारा काम शर्मा जी करवा देंगे। आपने तो दिल की बात बोल दी दीदी, लेकिन अपना स्कूटर बेचने के लिए ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, बेचूं कहाँ?
उसमें क्या परेशानी है, मेरे जान पहचान वाले बहुत लोग हैं जो पुरानी बाइक स्कूटर खरीदते हैं। वो शाम तक आएंगे और तेरा चेतक स्कूटर ले जाएंगे और तुझे पैसे दे जाएंगे। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कनिका इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद वो लीला का चेतक स्कूटर खरीदने के लिए कुछ लोगों को भेजती है, जो उसका स्कूटर उठाकर उसके बदले उसे बहुत सारे पैसे देकर वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर जीत आता है और उन लोगों को अपना स्कूटर ले जाते देखकर लीला से कहता है, ये लोग कौन है जो मेरे दादाजी के स्कूटर को लेकर जा रहे हैं? मैंने इन लोगों को तुम्हारा दादाजी का पुराना चेतक स्कूटर बेच दिया है और ये देखो, तुम्हारे इस पुराने स्कूटर के बदले मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। अब हम नया स्कूटर खरीद सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं, मैं अपने दादाजी का स्कूटर नहीं बेचूंगा। इनको ये पैसे वापस कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें 10 दिन में नया चेतक स्कूटर ला कर दूंगा, फिर चाहे मुझे खुद ही क्यों ना ये चेतक स्कूटर बेचना पड़े। ठीक है, और अगर तुम नहीं ला पाए 10 दिन में नया चेतक स्कूटर तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। लीला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। यूँ ही समय निकलता है। समय के साथ जीत की परेशानी बढ़ती जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नए स्कूटर का इंतजाम कैसे करे ताकि वो अपने दादाजी की आखिरी निशानी को बेचने से बचा सके और अपनी पत्नी को घर छोड़कर जाने से रोक सके। वो काम करते हुए ये सब सोच रहा था कि तभी उसका दोस्त राघव, जो कि एक गैराज चलाता था, उसके पास आकर कहता है, क्या भाई कहाँ रहता है तू आजकल? काम के चक्कर में अपने दोस्तों को ही भूल गया। याद भी है तुझे कि तू आखिरी बार मुझसे कब मिला था? माफ कर भाई, मैं थोड़ा परेशान था इसलिए नहीं मिल पाया। क्या बात है, मुझे बता, अगर मुझसे हो पाया तो मैं तेरी मदद जरूर करूँगा। राघव के पूछने पर जीत अपने चेतक स्कूटर से जुड़ी सारी परेशानियों से बताता है, जिसे सुनने के बाद वो उसे अपने चेतक स्कूटर को गैराज पर लाने को कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जीत जैसे तैसे अपना स्कूटर लेकर राघव के गैराज पर जाता है, जिसके बाद राघव उसी के सामने देखते ही देखते उसके पुराने ओल्ड चेतक स्कूटर को रंग पेंट करके उसका मॉडल चेंज करके उसे नया अवतार देता है, जिसे देखकर जीत भी दंग रह जाता है और खुश होकर कहता है, भाई तूने ये क्या किया, ये तो चेतक स्कूटर तो लग ही नहीं रहा कि मेरे दादाजी का पुराना स्कूटर है। तूने तो इसका पूरा लुक ही चेंज कर दिया, एकदम नया कर दिया। भाई लेकिन अभी तो तुझे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन धीरे धीरे दे दूंगा पक्का। दोस्तों में पैसों की क्या बात है यार, और मैंने कौन सा तुझे नया चेतक स्कूटर ला कर दिया, मैंने तो तेरे ही चेतक स्कूटर को बस थोड़ा न्यू लुक दे दिया है और कुछ नहीं। जाओ भाभी जी को दे दे उनका नया चेतक स्कूटर, अब वो तुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। भाई मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जीत इतना कहकर अपने नए चेतक स्कूटर को लेकर अपने घर आता है, जहाँ पहुँचते ही जैसे ही लीला जीत के नए स्कूटर को देखती है तो बहुत खुश होती है और घर छोड़कर जाने का इरादा बदल देती है। इस तरह से लीला के घर में नया चेतक स्कूटर आने का सपना पूरा होता है और जीत को भी अपने दादाजी की आखिरी निशानी को अपने आप से दूर करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।